फिर भी कसर पड़ रही है। कहती है मैं ऐसी वैसी नहीं हूं, महारानी हूं, जरा मेरे ऊपर छत्र चमर तो और ढुलाओ, तब महारानी की शोभा होगी। तो छत्र चमर कहां से लावे? तो सखी कन्हैया की नासिका में जो श्वेत मोती लटकता रहता है ना, नासाग्रे वर मोक्तिकम कर तले वेणु, तो नासाग्र मोती जो हिलता है, ऐसा लगता है इस बांसुरी के ऊपर कन्हैया चमर ढुला रहे हो। जैसे मंदिरों में चमर सेवा होती है ना ठाकुर जी की, तो बंसी महारानी पर नासिका का मोती चमर की तरह शोभा दे रहा है, झिलमिला रहा है, हिल रहा है। और जो छत्र सिर पर छत्र रहता है महारानियों के, तो कन्हैया के कानों के जो कुंडल झिलमिला रहे हैं, सखी मानो दो दो छत्र इस बंसी के ऊपर भगवान ने तान रखे हो। अब तू बता बहन कैसे जलन न हो जाते, संग में रहती है और कन्हैया से सेवा कराती है, महारानी की तरह ठाट से रहती है, इसलिए मुझे सबसे ज्यादा ईर्षा जलन इस बाबरी बांसुरी से ही होती है। बोलो बंसी वारे की जय। तो शिव स्वरूप बंसी की भगवान इतनी सेवा करते हैं कि सारी प्रकृति इस बंसी के स्वर से प्रभावित हो जाती है। बंसी की तान बज रही है, स्वर में आवाज जा रही है, स्वर्ग में ताता थैया रंभा नाच रही है, पर बंसी के स्वर को सुनते ही नाचना भूल जाती है। पर इंद्र का दरबार है, नृत्य बंद भी नहीं कर पाती, पर बंसी के स्वर से मन इतना खिंच रहा है कि स्वर ताल का ध्यान भी नहीं रख पाती। ताल कहीं जा रही है और रंभा के चरण कहीं पड़ रहे हैं, ताल लय सब छूट जाती है, क्योंकि एकाग्र मन हो तब तो ध्यान से नाचे, मन तो बंसी में चला गया कन्हैया की, और नृत्य हो रहा है इंद्र के दरबार में। अरे जाने दो, निरंतर प्रवाहित जो यमुना की धारा है वो भी बंसी के स्वरों को सुनकर के ठहर जाती है, रुक जाती है, पाषाण वक्त स्थिर हो जाती है। ये चमत्कार है बंसी का। बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी, बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी, बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी, बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी। शिव समाधि भूल गए ऋषि मुनि को तारी, शिव समाधि भूल गए ऋषि मुनि को तारी, बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी, बांसुरी बजाए आज।
मुनि से किरार है। प्रभु मदन मोहन चरणन बलिहारी, प्रभु मदन मोहन चरणन बलिहारी, प्रभु मदन मोहन चरणन बलिहारी, बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी, बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी, आज रंग से मुरारी, आज रंग से मुरारी, आज रंग से मुरारी। प्रकार से भगवान ने वेणु वादन किया और सारे त्रैलोक्य को मोहित कर लिया। इति वेणु रवम राजन सर्वभूत मनोहर श्रुत्वा ब्रज स्त्रिय सर्वा वर्णयन्त्यो भिरे भिरे। गोपियों ने इस प्रकार से बंसी की बड़ी महिमा गाई। कल और सुनाएंगे बंसी की महिमा, क्योंकि इस समय गिरिराज बाबा की पूजा की तैयारी करनी है। शरद के बाद हेमंत आ गई, हेमंत ऋतु। हेमंत ऋतु के प्रथम मास अर्थात मार्गशीर्ष अगहन, अघों का जहां हनन हो ऐसा अगहन मास आ गया। गोपियों ने ब्रह्म मुहूर्त में ही जाग करके कात्यायनी मां की पूजा प्रारंभ कर दी। सभी ब्रज की छोटी छोटी कन्याएं इकट्ठी होके जमुना नहाने 4 बजे आ जाती हैं और नहा धो करके कात्यायनी मां की पूजा करके मंत्र पढ़ने लगती हैं। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम पतिम मे कुरुते नमः इति मंत्रं जपन्त्यस्त्या पूजां चक्रु कुमारिका। इस मंत्र से निरंतर कात्यायनी मां की पूजा करके हे मातेश्वरी श्री कृष्ण ही हमें पति रूप में प्राप्त हो ऐसी प्रार्थना किया करते हैं। पर इनमें कमी है, क्योंकि 4 बजे जमुना में नहाती है इसलिए सारे कपड़े त्याग करके नग्न होकर नहा लेती हैं, फिर कपड़े पहन के पूजा करने पहुंच जाती हैं। तो भगवान को लगा ये तो अनुचित हो रहा है, निर्वस्त्र जमुना में या किसी भी जलाशय में नहाने से जल के देवता वरुण का अनादर होता है, अपमान होता है, अपराध भी हो जाता है। इसलिए भगवान ने लीला करी और एक दिन उनके पीछे पीछे ही चले गए और जो वस्त्र त्याग करके गोपियां जमुना में प्रविष्ट वहीं भगवान सबके वस्त्र लेके कदम पर चढ़ गए। नहाने के बाद जब कपड़े देखे तो सब गायब, अरे राम राम कहां गए। एक गोपी बोली मुझे तो लगता है बंदर ले गया। तो ऊपर झांकने लगी, वृक्ष पर देखे तो महाराज बानर तो कोई ना है, बानर आदि सब बैठे हैं। अरे राम राम या कन्हैया की करतूत है, गोपियां सब समझ गई, हाथ जोड़ करके पुकार उठी। श्याम सुंदर ते दास्य करवाम तबोदितम देही बासांसि धर्मज्ञ नो चेद राज्ञे ब्रुवामहे। हे घनश्याम, हे श्याम सुंदर,
हम सब आपकी दासी हैं, आप इतने बड़े धर्मात्मा हो फिर भी ऐसा व्यवहार करते हो, हमारे वस्त्र तुरंत वापस करो, ज्यादा तंग करोगे राजा से शिकायत करेंगी, तुम्हारी खबर लेंगे। भगवान बोले एक तरफ तो हमारी दासी बन रही हो और दूसरी तरफ मालिक को धौंस दे रही हो, अरे एक बात करो, तुम्हें राजा से शिकायत करनी है, जाओ पहले राजा से शिकायत ही करे आओ, जो होगा देखा जाएगा। गोपियां आपस में बोली बाबरी शिकायत करने जाएगी कैसे, सब बोली नहीं नहीं हमें किसी से कोई शिकायत नहीं करनी, कृपा करके तुम वस्त्र लौटा दो आ जाए। भगवान बोले क्यों क्या हो गया, जैसे गई थी वैसे आ जाओ। गोपियों ने कहा उस समय आप नहीं थे, अब आप खड़े हो तो हम बाहर कैसे निकलें। भगवान बोले यही तुम्हारा भ्रम है, मैं तो पहले भी था और अब भी हूं। ऐसी कौन सी जगह है, ऐसा कौन सा स्थान है जिस स्थान में जिस कण में जिस क्षण में मेरी सत्ता न हो। ये बोध होते ही गोपियां तुरंत पुलकित होके बाहर आईं। भगवान ने एक एक करके सबको वस्त्र लौटाए, वस्त्र धारण गोपियों ने किए तो भगवान मुस्कुरा के बोले हम तुम्हारी आराधना का हेतु जानते हैं, चिंता न करो हम तुम्हारा समस्त मनोरथ आगामी शरद पूर्णिमा पर अवश्य पूर्ण करेंगे। इसका नाम चीरहरण। जीवात्मा परमात्मा के बीच में जो माया का आवरण है, जब तक भगवान उस चीर का हरण न करें, उस आवरण का हरण न करें, तब तक जीवात्मा को परमात्मा के वास्तविक तत्व का बोध नहीं होता, और जब तक तत्व बोध नहीं हो जाता तब तक महारास में उसका प्रवेश नहीं होता। इसलिए चीरहरण पहले किया, बाद में महारास का अधिकार गोपियों को दिया। अब इसकी और बृहद समीक्षा रास पंचाध्यायी के माध्यम से कल करेंगे, इस समय हम गिरिराज बाबा की पूजा के लिए चलते हैं। रासलीला क्या है, इसकी बहुत अद्भुत चर्चा पांच अध्याय में सुखदेव जी ने रास पंचाध्यायी के माध्यम से की है। प्रातः तो रासलीला की चर्चा होगी और सायंकाल भगवान के विवाह की चर्चा होगी, तो कल भगवान का रास भी होगा और विवाह भी होगा। पर अब आ गई दीपावली, कार्तिक का महीना। दीपावली कार्तिक के अमावस्या में कन्हैया जब सवेरे सवेरे जागे तो देखा कि जसोदा मैया सवेरे से ही नहा धोए के मिठाई बनावे में लगी भई है। कन्हैया ने जैसे ही नींद खोली, पकवानों की सुगंध आई, कन्हैया दौड़े सीधे रसोई घर। मैया 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 बोली ए लाला बाहर हट बाहर निकल। कन्हैया बोले का बात है गई मैया। मैया बोली बेटा आज जय जय है जाएगी, देवता को पवाई दूंगी, तब मैं तो कू कजू खावे पीवे दूंगी, तुम वो कू छू मत लीजियो, तो पूजा पाठ के ताई भोजन बनाए रही हूं। कन्हैया बोले मैया ये जय जय कौन सी बलाए है, कौन है ये जय जय। मैया बोली मोई फुरसतना है, बहुत सारो काम है, तू जाके अपने बाबा से पूछ। कन्हैया मुंह लटकाए बाहर निकले, देखे नंद बाबा बैठे हैं ग्वालन के संग, तो कन्हैया सीधे जाके बाबा की गोद में बैठ गए। बाबा कहो बेटा का बात है सवेरे सवेरे मुंह लटकाए का मुंह डोले। कन्हैया बोले बाबा एक बात बता, कथ्यताम मे पितः कोयम संभ्रभो पागतः किं फलम कस्य चोद्देशः केन वा साध्यते मह। बाबा आज कितनी गजब की खुशबू आ रही है भंडार से, और मैया खावे की तो चले का चाखवे भी ना दे, तमाम मिठाइयां बना रखी है परंतु नेकू हाथ ना लगाए दे, कह रही है जय जय हो जाएगी तब मिलेगो। बाबा आप ही बताओ ये जय जय क्या बला है। नंद बाबा बोले बेटा तू इन सब बातन को ना समझे, तू बच्चा है, बाद में सब समझाए दूंगा। कन्हैया बोले ना बाबा हम बहुत समझदार हैं, आप बताओ तो सही। अच्छा तो सुन, समझावे लगा। परजन्यो भगवान इंद्र मेघातस्यात्ममूर्तय ते भी वर्षन्ति भूतानां प्रीणनं जीवनं पयः।
परजन्यो भगवान इंद्र। मेघों के जो देवता है ना देवराज इंद्र, बेटा प्रतिवर्ष कार्तिक की अमावस्या पे हम इंद्र की पूजा कियो करें दिवाली के दिन। कन्हैया बोले किम फलम, और इंद्र की पूजा से फायदा का होए? बोले बेटा इंद्र प्रसन्न होके फिर पानी बरसाया करे। तो भगवान बोले को उद्देश्य, और पानी का उद्देश्य क्या है? अरे लाला पानी बरसेगा तभी तो हरी हरी घास होएगी, कहना है धरती में हरियाली छाएगी तभी तो गैया घास खाएंगी, और गैया हमारी लाखन है, घास खाएंगी तभी तो दूध देंगी। पानी ना बरसो सूखा पड़ गयो गैया भूखन मर गई तो हम बर्बाद है गए। ताते हमें हर साल इंद्र की पूजा करनी पड़े। ओहो ये बात है। अच्छा बाबा तो एक बात पूछूं? बोले हाँ और पूछ ले बेटा। बोले बाबा यद पूजा ना करेंगे तो फिर का इंद्र पानी ना बरसाएगा? बोले हाँ नाराज है गयो तो ना बरसाएगा। अच्छा बाबा तो आधे ब्रजवासी पूजा कर दें और आधे ना करें तो का इंद्र जिनने पूजा करी है उन्हीं के खेतन में पानी बरसाएगा? अब नंद बाबा चक्कर में पड़ गए। अरे कन्हैया बेटा तू नेक सो छोरा पर बातें बहुत टेढ़ी मेढ़ी करे, तेरे प्रश्नन को जवाब देते देते मेरी खोपड़ी गर्म है जाए। मैं फालतू को तर्क वितर्क कुतर्क ना जानू, मेरे तो बाप दादा के जमाने से पूजा पाठ ऐसी होती चली आ रही है, सो हम कर रहे हैं। का होएगो का ना होएगो या झगड़े में मैं ना जानू, तू बोल तेरे मन में का है। कन्हैया बोले तो सुन ले बाबा ये सब अंध परंपरा, मैंने बड़े बड़े महात्मन को संग कियो है, और बड़े बड़े महात्मा बस एक ही बात कहे, कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विनीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। बाबा जो प्राणी जैसो कर्म करे बाको वैसो ही फल ईश्वर दियो करे। अब जब हम कर्म ही ठीक ना करेंगे तो ईश्वर फल काय को देगो? ईश्वर है तो तुम भंडारी समझ लो, भंडारी को जैसो जैसो सामान सौंप दोगे वैसो वैसो भोजन बना के आपको पवाई देगो, और सामान सट्टो का छूनाए दे भंडारी जी मालपुआ छनन दे तो बताओ अब भंडारी काय बना देगा? सामग्री के अनुसार भोजन बनाएगो कि नहीं? ऐसे ही जीव जैसो कर्म करके ईश्वर को देगो, ईश्वर बाके कर्मानुसार ही फल बना के बाकू देंगे। अब जीव जब कर्म ही ठीक ना करेगो तो ईश्वर फल काय को देगो? काहू न को सुख दुख कर दाता, काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भाता, निज कृत कर्म भोग सब कोई किसी को सुख दुख नहीं देता बाबा, सब अपने अपने कर्मन को फल भोगे। हमने अच्छे कर्म किए हैं तो अच्छा फल मिल के ही रहेगो, ईश्वर हमें दे के ही रहेगो। महेंद्र किंग करिष्यति, ये बीच में इंद्र लेवे देवी बारो रिश्वतबाज कांते आ गए। अब नंद बाबा की खोपड़ी घूम गई, जो आसपास ग्वाला बैठे थे नंद बाबा बोले भैया या छोरा की बात तुम सुन रहे हो, अब तुम विचार करो कि कहा करना चाहिए। ग्वाला बोले अच्छा कन्हैया तू बता, यदि इंद्र की पूजा ना करें तो कौन की पूजा करें? कन्हैया बोले मैं बताऊं, प्रत्यक्ष हमारो देवता है गिरिराज गोवर्धन। काय से? बोले देखो गैयन को घास देवे गोवर्धन, गोवर्धन पे कितनी हरियाली छा रही है चारो, गैया या की हरियाली खाए खाए करके मस्त रहे, प्यास लगे
तो गोवर्धन के जो झरने बह रहे हैं पानी के बह रहे हैं, उन झरन को पानी पी करके प्यास बुझायो करें। गोवर्धन के विशाल वृक्षंते जो सुंदर सुंदर फल लटके वो हम खायो करें। जब ज्यादा गर्मी लगे तो गुफा में घुस करके आराम कियो करें। रोटी कपड़ा और मकान सबरी व्यवस्था तो हमारो गोवर्धन नाथ कर देवता करे, और पूजा हम भाई इंद्र की करेंगे। मेरी बात मानो, मेरे देवता की एक दिना पूजा करके देखो, फायदा हो तो दोबारा करियो, नहीं तो तुम्हारी मर्जी। नंद बाबा बोले तो पक्की रही बेटा, इंद्र की पूजा तो बहुतेरी कर ली, अब की बार एक दिना तेरी देवता की पूजा करके देख लेंगे। बोल पूजा में कहा का सामान लगे? कन्हैया बोले सामान कछूना चाहिए, बस चकाचक खावे के ताई माल जरूर चाहिए। देवता को खावे में कसन्नाए पड़े सोई देवता खुश। अरे लाला, तो भगवान ने बहुत दया है, खावे में कोई कमी ना पड़ेगी। नंद बाबा ने तुरंत पूरे ब्रजवासियों को बुलाए करके घोषणा कर दी, अब की बार गोवर्धन की पूजा होगी। ऐसी कन्हैया की इच्छा है भैया, या की बात मानो। कछु लोग विरोध करवे लगे या बात को, अरे इतनी पुरानी परंपरा तोड़ रहे हो या छोरा की बात न। कछु हां भरे कछु ना करें, दुविधा में पड़ गए। दिवाली यूं ही बीत गई, काऊ की पूजा ना भई। दोबारा दूसरे दिन फिर मीटिंग करी, अरे भैया काऊ देवता की तो पूजा कर लो, ऐसा मत करो। प्रस्ताव पारित हो गया सर्वसम्मति से कि हम तो भैया गोवर्धन की ही पूजा करेंगे, कन्हैया की बात मानेंगे। तब जाकर के दिवाली के दूसरे दिन कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा के दिन गिरिराज बाबा का पूजन करना निश्चित हुआ। गोपी ग्वालों ने घर घर मिठाइयां बनाई, विविध व्यंजन बना बना के थाली में सजा सजा के ले आए गोपी ग्वाला। देख कन्हैया तेरे देवता के ताई कितनी सारी मिठाई। देख देख के मिठाइयन के थाल कन्हैया खुश हो गए। पूड़ी पकौड़ी कचौड़ी मकौड़ी रसगुल्ला रसमलाई लड्डू जलेबी कलाकंद बर्फी इमरती रबड़ी ढेरों सारी मिठाइयां ले ले ब्रजवासी चल पड़े। कुल गिरिराज महाराज की जय। मिष्ठान के थान लिए कन्हैया को आगे किए, ब्रजवासी गोवर्धन की तलहटी पहुंच गए। हां लाला, कहां है तेरो देवता? भगवान बोले दीसे ना है सात कोस के ये लंबे चौड़े घड़े हैं। और ये राम राम, इतना बड़ो देवता, अब आपकी पूजा कैसे होगी? कन्हैया बोले हम खड़े हैं पुजारी, जैसे बताएं वैसे करो। बताओ महाराज। बोले जाओ पहले स्नान करा के आओ। अब सात कोस के गोवर्धन को स्नान कैसे होए? ब्रजवासी बिचारे सबके सब मटका ले ले करके निकले, जमुना जल भर भर करके लाएवे लगे, चढ़ाएवे लगे। 1000 कलश पानी पटक दियो। ये शालिग्राम भगवान तो है ना, जो 100 ग्राम में ही गड्ढ हो ले। सात को उसको देवता थक गए बेचारे ब्रजवासी, का नहीं आते। बोले लाला हमारे बस की बात ना है, या देवता पे 1000 कलश पानी पटक दे और या देवता की तो मूछ होगी ली ना भाई, ऐसे कब तक नावा में। कन्हैया बोले अब घबराओ मत, मेरे देवता से प्रार्थना करो तो मेरो देवता गंगा जी है, यही बुलाई लेगो तो प्रेम ते नवाई दीजो। ऐसो बात वहां आंख बंद करके ब्रजवासी बोले कि राज महाराज जल की व्यवस्था कर दो तो नहा सके नहीं, हमारे बस की बात ना है। और मन ही मन माधव ने गंगा जी का आह्वान किया तो मानसी गंगा की धारा प्रकट है गई। बोल मानसी गंगा की जय। जो जलधारा प्रकट भई, ग्वाला सब नाचवे लगे, कन्हैया कमाल कर दियो, या देवता ने गंगा जी बुलाई ली भैया। हर हर गंगे भर भर मटका चढ़ावे लगे, भाई चमत्कारी देवता है, हम तो मान गए आपको। बड़े प्रेम से सबने स्नान करायो। कन्हैया बताते गए, ग्वाला करते गए, गंधाक्षत पुष्पाणी समर्प्यामी, पूजा पाठ है गए। हाँ भैया भोग लगाओ। पकवान सब परोस दे, नंद बाबा पर्दा डारवे लगे भोगते भोग के ताई। कन्हैया बोले बाबा पर्दा की जरूरत ना है तो कैसे भोग लगेगो? कन्हैया बोले मेरो देवता चौरे में भोग लगाएगा सबके सामने। सबके सामने? बोले हाँ। आंख बंद करके ध्यान करो देवता को। सो फिर आंख बंद कर ली। हे गिरिराज महाराज भोग स्वीकार करो। इतना कहते ही कन्हैया एक रूप में नंदलाल बने रहे और दूसरे रूप में गोवर्धन के शिखर पर खड़े होके बोले लाओ ब्रजवासियों भोग। सुई हड़बड़ा के सबने नेत्र खोले तो चार भुजा पसारे भगवान गिरिराज रूप में प्रकट हैं। बोल गिरिराज महाराज की जय। ब्रजवासी
पास ही, बोले लाला ये चार हाथ वालों यही है तेरो देवता? भगवान बोले यही तो है, प्रेम से भोग लगाओ। गजब है, गया भैया उठा उठा के पकवान देते गए और गिरिराज बाबा गटागट सब पाते चले गए। एक मिनट में सबरी थाली पूरी खाली। ब्रजवासी बोले मान गया देवता को, भैया इंद्र की पूजा करते करते मेरी सफेद दाढ़ी निकल आई, पर दारी के ने आज तक सूरत ना दिखाई। बरसन बीत गए, धन्य है ये देवता, एक दिना की पूजा में देखो मांग मांग के हाथ पसार पसार के हमते पावे। ऐसो सीधो सरल देवता तो न कबू सुनो न कबू देखो भैया, कन्हैया तेरे देवता की पूजा हर साल कु पक्की। मधुमंगल धीरे से बोलो कन्हैया एक बात और बताए दे। कहा, बोले ये तेरो देवता कितेक दिना को भूखो बैठो है, मेरे ताई कछु प्रसादी बचेगी कि सब अकेलो ही डकार जाएगा? कन्हैया बोले चिंता काय गुं करे, प्रसादी भी मेरो देवता सबन को देगो, तुम पूजा तो करो। प्रेम से सब पवाए रहे हैं। मैया बोली कन्हैया एक बात पूछ लूं। हाँ मैया पूछ। बोले लाला मैं यह देवता को बड़ी देर से देख रही हूं, मुकू तो तेरी सकल और तेरे देवता की सकल बिल्कुल एक सी लग रही है, ये का चक्कर है? कन्हैया हंस के बोले मैया तोय पतो ना है, जा गैया को दूध मैं पीऊं, वाई गैया को दूध नित्य या देवता को पिवायो करूं। सो एक ही गैया को दूध पीते पीते हम दोनों की एक ही सकल है गई होगी। मैया बोली ओहो जे बात है, वही मैं सोचूं मेरे छोरा जैसो मोड़ो या को कैसे है गये। लाला और पूछ ले या देवता से पूजा पाठ में कोई कमी तो ना रही? कन्हैया बोले मैया मेरे देवता ने मुंह को इशारो कर दियो कि और पूजा तो चकाचक है गई नहीं, बस सात कोस की परिक्रमा हो लगाई लो। सात कोस की परिक्रमा लगावे तो पूरा पुण्य प्राप्त है जाए। अरे लाला चलो चलो परिक्रमा लगाए। फिर तो मैया बाबा के साथ गोपी ग्वालन को लेके कन्हैया झूम झूम के परिक्रमा लगा दे। हम और आप भी चलेंगे परिक्रमा लगाने, मन से बांसी परिक्रमा देंगे, पहले मानसी गंगा नहाएंगे फिर परिक्रमा लगाएंगे। ईमानदारी से मन से परिक्रमा लगाओ, सारे स्थलों का दर्शन करते होंगे, गारंटी से बैठे बैठे ही आपको पूरा परिक्रमा का पुण्य प्राप्त होगा। तेरो सब संकट मिट जाए, ओ मिट जाए, तू पूजा करी गोवर्धन की। तेरो सब संकट मिट जाए, ओ मिट जाए, तू पूजा कर गोवर्धन की। तेरो सब संकट मिट जाए, ओ मिट जाए, तू पूजा करी गोवर्धन की। तेरो सब संकट मिट जाए, ओ मिट जाए, तू पूजा कर गोवर्धन की। तू पूजा करी गोवर्धन की, परिक्रमा दे मेरे गिरिवर की। पूजा कर गोवर्धन की, परिक्रमा दे मेरे गिरिवर की। ओ तेरो जन्म मरण मिट जाए, ओ मिट जाए, पूजा करी गोवर्धन की। तेरो जन्म मरण लगाइए। पहले प्रणाम करके फिर परिक्रमा प्रारंभ करें। सब मिले प्रणाम पहले कीजे, सब मिले प्रणाम पहले कीजे, सब मिले प्रणाम पहले कीजे, सब मिले प्रणाम पहले कीजे। गिरिराज हृदय में धर लीजिए, ओ
मिल को तुम यावन की तेरो सब संकट मिट संकट मिट जाए ओ मिट जाए तू पूजा कर गोवर्धन की। जय हो। परिक्रमा पहुंच गई पूंछड़ी के लौटा पे। बोल पूंछड़ी के जाके मुकुट लपुट भ्रकुटी मांगी जाके मुकुट लपुट भ्रकुटी मांगी यापे दूध एहो दूध की धार चढ़ाए हो चढ़ाए इच्छा पूर्ण हो बे मंदी यापे दूध की धार चढ़ाए हो चढ़ाए इच्छा पूर्ण हो बे मंदी ओहे नंद लाला मिल जाए बिहारी मिल जाए कुंडों में स्नान करो राधा कुंड कृष्ण कुंड गिरी गोवर्धन
माधुर माधुर बंसी बाजे ऐसो वृंदावन अब राधा कुंड इस नाम करो 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 मन श्री राधे जी को ध्यान करो मन श्री इच्छा पूर्ण होवे मन की जो इनकी शरण में आए हो चलो आए सर्व व्याधि मिटे तन की मन की सब संकट मिट जाए ओ मिट जाए तू पूजा कर गोवर्धन की परिक्रमा पूर्ण भई पूर्ण काम परिक्रमा पूर्ण भई पूर्ण काम ओ परिक्रमा पूर्ण भई पूर्ण काम ओ परिक्रमा पूर्ण भई पूर्ण काम नंद बाबा के संग मधुर श्याम नंद बाबा के संग मधुर श्याम कर जोड़ो जय हो कर जोड़ो शीश नवाय ओ नवाय आरंभ करो विधि पूजन की जोड़ो शीश नवाय ओ नवाय आरंभ करो विधि पूजन की ओ पूजा कर गोवर्धन की परिक्रमा दे मेरे गिरिवर की पूजा कर गोवर्धन परिक्रमा दे मेरे गिरिवर की तो ही नंद लाला मिल जाए तो पूजा कर गोवर्धन की तो ही नंद लाला मिल जाए ओ मिल जाए तो पूजा कर गोवर्धन की सब संकट मिट जाए ओ मिट जाए तो पूजा कर गोवर्धन की तो पूजा कर गोवर्धन की तो पूजा कर गोवर्धन की बोल गिरिराज महाराज की जय गोवर्धन नाथ की जय मानसी गंगा की जय कृष्ण कन्हैया लाल की जय प्रेम से साथ को उसकी परिक्रमा लगाते गीत गाते नाचते कूदते उल्लास में भरे ब्रजवासी लौट के अपने घर आ गए। इंद्र ने अपने दूत को कहा जरा पता तो लगाओ अब की बार ब्रजवासियों ने मेरी पूजा कैसे ना करी। दूत ने वातावरण वृंदावन का जब देखा तो दौड़ के इंद्र से बोला सरकार आपकी पत्ती साफ। बबूला हो गया भगवान को गालियां देने लग गया उस बाचाल कृष्ण की बातों में इन मूर्खों ने मेरा अपमान किया है इसका फल इन्हें भोगना पड़ेगा। मेघों को आदेश दिया जाओ प्रलय मचाओ इतना पानी बरसाओ कि सारा ब्रज डूब जा पानी में। गड़गड़ाने लगे मेघ मंडल आकाश मंडल में आकर छा गए पूरे ब्रज पर। जो मूसलाधार पानी प्रारंभ हुआ ब्रजवासी घबराए गए दौड़े कन्हैया की शरण में आए गए। कन्हैया गजब है गयो मानो पड़े इंद्र नाराज है गयो ये तो प्रलय मचा दे वो कैसे कारे पीरे बदरा है रे। कन्हैया बोले तो मैं क्या करूं
ब्रजवासी बोले दारी के तेनाएं करेगो तो और कौन करेगो, तेने भाई इंद्र की पूजा तो पट्ट से बंद कराए दी, अब अपने देवता से हमारी रक्षा भी तो करवा। कन्हैया बोले तो काय को घबराओ, मेरे देवता की शरण में चलो, वो सब ठीक ठाक कर देगो। भैया कन्हैया तू चल मेरे संग, सब ग्वालन के संग कन्हैया ले ब्रजवासी को पहुंच गए गोवर्धन की तलहटी। सब सबसे बोले जाओ ध्यान करो, भगवान से प्रार्थना करो तो हमारे देवता कछु उपाय बताएंगे। सब आंख बंद करके ध्यान करने लगे कि राज महाराज रक्षा करो वा इंद्र के कोप से। श्री भगवान बोले सुनो सुनो बात है गई। क्या बात है गई भैया? बोले मेरे देवता ने अवाली मुंह को इशारो कर दियो कि घबरावे की जरूरत ना है, ज्यादा पानी बरसे तो उठा के मुंह को छाता बनाए ले। ब्रजवासी बोले कन्हैया काय को पागलन जैसी बातें करे, साध को उसको गोवर्धन या को छाता बने वो। कन्हैया बोले देवता ने तो भैया यही कही है मोते, और जब कहिए तो बन ही जाएगा, एक बार प्रयास करके तो देखना चाहिए कि नहीं। ठीक है करेंगे, हम प्रयास करेंगे, तू भी लगा हाथ। इत्युक्ते केन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचलम् दधार लीलया कृष्ण छत्राकमिव बालकः। बरसात में जैसे छोटे छोटे बच्चे कुकुर मुत्ता उखाड़ करके छाता बना लियो करें कि छाता छाता, ऐसी कन्हैया ने सात कोस के गोवर्धन को उठाए के एक कनिष्ठिका पर धारण कर लियो। सबरे ग्वाला भी लाठी डंडा कंधा सिर सब लगाए के खड़े है गए। कन्हैया गजब है गयो, उठ गयो गोवर्धन, उठ गयो भैया। सात वर्ष के कन्हैया ने सात कोस के गिरिवर को एक कनिष्ठिका पर धारण कर लिया। ब्रजवासियों को यही लगा हम सब ने मिलजुल के उठा लियो। गदगद होके बोले गोपाल हमें आज तक पतो ही ना है हतो कि आजकल हमें इतनी ताकत आ गई है, सचमुच गजब है गयो सात को उसको गोवर्धन उठ गयो हम ते। कन्हैया मुस्कुराए, हम तो पहले ही कहो करते ब्रजवासियों की माखन बेचबो बंद करवाओ, मैंने घर घर ले जाके तुमको कितनो माखन खवाए दियो कि आज बाकी ताकत आ गई ना काम में, खाए पिए ना होते तो गोवर्धन कैसे उठ जाते हो। ब्रजवासी बोले लाला है तो तेरे माखन कोई चमत्कार, ये बात तो माननी पड़ेगी। धीरे धीरे सात दिन बीत गए महाराज। ब्रजवासी बोले लाला आज सातवो दिन है, पानी तो नेकु बंद ना होवे, ऐसे कब तक जाकू उठाए धरे रहेंगे। और एक बात बता के नहीं, हमारो तो ये कंधा थक जाए तो फिर या कंधा को लगा ले, पर तू को हम देख रहे हैं सात दिना की एक अंगुरिया लगाए खड़ो है, तेरी अंगुरिया में अब तक दर्द ना भयो का भैया? देख ज्यादा मेहनत मत कर, थोड़ी देर तू भी आराम कर ले, चिंता मत करियो हम सब देख लेंगे। कन्हैया बोले तो मेरे बिना तुम अकेले ही सब उठा लियोगे? ब्रजवासी बोले दारी के एक अंगुरिया कहा लगा दी तेने, तू सोचे कि तू नहीं सब पहाड़ उठा धारो है, और हमारा ये लाठी डंडा कंधा सब तो फालतू के लग रहे हैं क्या? बातें मत बना, जाके आराम कर, हम सब देख लेंगे। कन्हैया बोले ठीक है तो तुम ही देखो भैया। कन्हैया ने नेक अपनी अंगुरिया नीचे करी के सबके डंडा चटा चट, एक कन्हैया भैया संभाल संभाल, घबराए गए बिचारे ग्वाला। भगवान ने भी ज्यों का त्यों कर लियो हाथ। ब्रजवासियन के तो आश्चर्य को ठिकानो ना रहो। आप उसमें बोले भैया गजब ही है गयो, या छोरा की नेक अंगुरिया नीचे भई के सबके डंडा चटा चट उड़ गए। दूसरा बोलो कहीं नेक और नीचे कर दे तो कंधे ही चटाचट बोल जाते। तो कहा भैया जा की अंगुरिया पे सब धरो है ता, चलो अपने डंडा तो टूटे ही गए, नेक कंधा और निकालो बाहर, सब छोड़ो, या छोरा तुम देखो ये अकेला उठा सकेगा। एक एक करके सबने कंधे निकाल लिए, पूरे ब्रजवासी हाथ खड़े हो करके अलग हो गए। कन्हैया की एक अंगुरिया पे फिर भी ज्यों कत्यो, अब तो महान आश्चर्य में डूब गए। नंद बाबा ते बोले बाबा तो हमारी सौगंध है, सच्ची बोलिए छोरा तेरो ही है का? नंद बाबा बोले भैया मेरो छोरा ना है तो कौन को छोरा समझो। ब्रजवासी बोले बाबा बुरो मत मानियो, हमें तो नेक को विश्वास ना हो कि ये तेरो लाला है। अरे यार नेक से सात वर्ष के छोरा ने सात को उसको गोवर्धन एक अंगुरिया पे उठाई दियो, हमें तो मालूम चले साक्षात भगवान है या कोई बड़ो भारी देवता है, ये अपनो लाला ना हो सके। क्व सप्तहायनो बाल क्व महात्रिविधारणम्
ततो नो जायते शंका ब्रजनाथ तवाप मजे। हमें तो शंका हो रही है भैया। नंद बाबा बोले देखो शंका न करो, मेरे ही भजन को प्रताप है, 2400 घंटे भजन करके बस एक ही वरदान मांगू, हे नारायण मेरे छोरा की रक्षा करो। मालूम पड़े मेरे नारायण ने भजन से प्रसन्न होके या लाला को कछु विशेष बल दे दियो हो, सो उठा लियो जाने, कोई देवी देवतन को चमत्कार समझ में ना आवे, ये देवता ना है देवतन की कृपा या पे है, यूं समझावे लगे। पर इंद्र ने आकर के जब यहाँ का वातावरण देखा कि देखूं ब्रज का हाल, तो ब्रज में धूल उड़ रही है, पानी का पता ही नहीं। मेघों को आदेश दिया, ब्रज तो सूखा पड़ा है, पानी कहां गया और बरसाओ। मेघों ने हाथ जोड़ लिया, सरकार सारा स्टॉक खत्म, जितना था सब उड़ेल दिया, अब नहीं बचा। भौचक्का सा इंद्र रह गया, मेघों से कहा तो भाग जाओ यहां से, सारे मेघ पलायन कर गए, भाग गए। जो आकाश साफ हुआ, भगवान बोले निकलो ब्रजवासियों, सब रे ग्वाला अपने लाठी डंडा सब ले लग के सामान के साथ निकले सब बाहर। भगवान ने भी गोवर्धन जहां की तां ज्यों का त्यों रख दिया, और जो रख के बाहर निकले, कोई ग्वाला दंडवत करे, कोई हाथ जोड़ के दूर से ही नमस्कार करे, कन्हैया बोले ये सब का कर रहे हो भैया। ब्रजवासी कान पकड़ते भाई बोले कन्हैया अभी तक की भूल चूक हमारी माफ करियो, हमें तो भैया पक्का विश्वास है गयो तू भगवान है। कैसे भैया? अरे तेने पैदा होते ही पूतना मार डारी, हमने बात समय सोची कि तू को लेके भाग रही होगी, सो ठोकर खा के मर गई। अपने मन को समझा लियो, अब समझ में आई तू नहीं मारी होगी, तेने एक लात में गाड़ी आकाश में उड़ाई दी हमारी आंखन के सामने, पर मैया ने हमें डांट दियो कि हवा में उड़ गई होगी, तो हमने सोची शायद हवा आ गई होगी। तेरे बड़े बड़े चमत्कार बचपन से देखते आ रहे हैं कन्हैया, परंतु आज अब कोई शंका शेष न बची, सारी ब्रज की गोपी ग्वालन ने सबन ने देख लियो कि तेने एक अंगुरिया पे गोवर्धन उठा लियो, और ये काम परमात्मा के अलावा कोई ना कर सके कन्हैया, इसलिए हमें पक्को विश्वास है कि तू परमात्मा है भगवान है। सो अब तक तो तेरे कान पकड़ के घोड़ा तक बना लियो करते कन्हैया, आज के बाद ये गलती भूल कभी ना करेंगे भैया, सो तेरे से दूर ही रहो करेंगे, न जाने का गलती है जाए हमते। भगवान को लगा कहीं सचमुच ये भगवान बना बैठे, तो अब वाली घर में ले जाके अलवारी में बंद करके बैठा देंगे, चार चिनोरी को भोग लगा के दो अगरबत्ती को दिखाई दियो करेंगे, तेरा दुज को अर्पण, ऐसे भगवान बन में ते का फायदा। भगवान ताली बजा के जोर से हंसे, हे ब्रजवासियों कायकू बाबरे ये बन रहे हो, तुम्हें अभी कछूना ही मालूम? ब्रजवासी बोले काना ही मालूम। ब्रजवासी बोले सुन, कन्हैया बोले सुनो ब्रजवासियों, एक रहस्य है भाई, मेरे देवता ने मुकु एक मंत्र दे रखो है, वह मंत्र को ऐसा चमत्कार है कि मंत्र मैंने कहीं पढ़ दियो, मंत्र पढ़ते जाने मुकु देख लियो, बाकी सबरी ताकत मुंह में ही आ जाए, तो गोवर्धन उठाते समय वही मंत्र मैंने पढ़ दियो, और तुम सबके सब टुकड़ टुकड़ मुकु देख रहे, तो तुम जबन की ताकत मुंह में आ गई, और मैंने अकेले ने गोवर्धन उठाई दियो। ब्रजवासी बोले ओ हो जे बात है, वही हम सोच रहे कि आजकल हम कमजोर क्यों पड़ रहे हैं, क्यों रे नंद के लाला, अब तक माखन मिश्री चुरायो कर तो आज तूने हमारी शक्ति चुरा ली। मद मंगल बोलो मैं तो पहले ही समझ गयो कछु ना कछु चक्कर जरूर है, कितनी बार आकू कबड्डी में हरायो, कितनी बार आकू कुश्ती में गिरायो, पर आज जाने गोवर्धन उठायो मेरे कंधन में ताकत ना बची, पर जाने मंत्रण से जब मेरो सबरो बल चुराई लियो, तो मुंह में का धरो जो उठा पातो मैं गोवर्धन, जच गई बात सबन को। कछु माखन को बल बढ़ो ओ कछु गोपन करी सहाय, और श्री राधे जो की कृपा ते मैंने गिरवर लियो उठाए। बोले गिरधारी भगवान की जय। ब्रजवासी बोले ये खूब बताई दे कन्हैया, नहीं तो हम तो तुकु आज भगवान ही समझ बैठते, सारी भगवत्ता भूल गए, दौड़ के कन्हैया को फिर हृदय से लगाई लिए,
सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित इस प्रकार से अपनी सारी भगवत्ता दिखाने के बाद भी कन्हैया मीठी मीठी बातों से फिर अपने आप को छुपा जाते हैं और ग्वालों के बीच उसी प्रकार ग्वाला बन के क्रीड़ा करते हैं। आइए पुनः गिरधारी का दर्शन करते हुए हम प्रेम से आरती और आज गिरिराज बाबा का दिव्य प्रसाद प्राप्त करेंगे। अरे नख पर गिर बर लीन्यो धार कन्हैया मेरो बारो, नख पर गिर बर लीन्यो धार कन्हैया मेरो बारो, नख पर गिर बर लीन्यो धार कन्हैया मेरो बारो, नख पर गिर बर लीन्यो धार कन्हैया मेरो बारो। जो कहे जसोदा एक जोर लगाओ मेरे भैया, जो कहे यशोदा मैया एक जोर लगाओ मेरे भैया, जो कहे यशोदा मैया एक जोर लगाओ मेरे भैया, जो कहे यशोदा मैया एक जोर लगाओ मेरे भैया। अरे गिर बड़ में बोझ अपार कन्हैया मेरो बारो, गिर बल में बोझ अपार कन्हैया मेरो बारो, नख पर गिर बर लीन्यो धार कन्हैया मेरो बारो, नख पे गिर बर लीन्यो धार कन्हैया मेरो बारो। जाए बाकी भैया की नरम कलैया कहीं मुरक न जाए बाकी भैया, लाला की नरम कलैया कहीं मुरक न जाए बाकी भैया, लाला की नरम कलैया कहीं मुरक न जाए बाकी भैया। कैसे हो कैसे हो कैसे खेले लोभार कन्हैया मेरो बारो, कैसे खेले इकलो भार कन्हैया मेरो बारो, पर गिर बर लीन्यो धार कन्हैया मेरो बारो, पे गिर बर लीन्यो धार कन्हैया मेरो बारो। इंद्र ने कीनो रज गोवर्धन तर लीनो, जब गोप इंद्र ने कीनो रज गोवर्धन तर लीनो, जब गोप इंद्र ने कीनो रज गोवर्धन तर लीनो, बादल ओ बादल हो बादल बरस बरस गए हार कन्हैया मेरो बारो, बादल बरस बरस गए हार कन्हैया मेरो बारो, गिर बर लीन्यो धार कन्हैया मेरो बारो, नख पे गिर बर लीन्यो धार कन्हैया मेरो बारो। लठिया को दे सहारो, यूं कहे पूछ री बा
सहारो रे मन देहो रे मन देहो रे मन बदले कृष्ण मुरारे कन्हैया मेरो पार रे मन बदले कृष्ण मुरारे कन्हैया मेरो पार लख पर गिर बदली नो भार रे कन्हैया मेरो पार लख पर गिर बदली नो भार कन्हैया मेरो पार लख पर गिर बदली नो की जय गिरधारी भगवान